सो सब गाइस, सीएस गेमिंग इज हियर। तो गाइस, सबसे पहले तो थैंक्स टू ऑल फॉर 1K सब्सक्राइबर्स। आप सबके सपोर्ट की वजह से ही आज अपने 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो पाए हैं, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइस चलो फिर से स्टार्ट करते वीडियो। सो सब गाइस, सीएस गेमिंग इज हियर। तो गाइस आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बैटल रॉयल गेम्स के बारे में, जो कि हैं बिल्कुल फोर्टनाइट की तरह। तो गाइस फोर्टनाइट का तो आप सबको पता ही होगा, फोर्टनाइट है एक वर्ल्ड फेमस बैटल रॉयल गेम्स, जिसकी लाइव स्ट्रीम और गेम प्ले जो फॉरेन स्ट्रीमर्स है बड़े बड़े वो भी करते हैंगे, तो काफ़ी फेमस गेम है ये। तो गाइस मैं आपको जितने भी गेम्स बताऊंगा इस वीडियो में, सारे ही आपके लो एंड डिवाइस पे भी वर्क करेंगे। मतलब कि अगर आपके डिवाइस की रैम है 1GB या फिर 2GB रैम है, तो भी ये गेम आराम से वर्क करेंगे बिना किसी लैग के और बिना किसी प्रॉब्लम के। तो गाइस इन सारे गेम्स में आपको फोर्टनाइट की तरह एक आइलैंड पे लैंड होना पड़ता है बड़े से, और इन गेम्स में भी जोन बनता है बिल्कुल फोर्टनाइट की तरह, और आपको क्राफ्टिंग भी कर सकते हो आप, जैसे कि आप फोर्टनाइट में कर सकते हो। और गाइस मैं जितने भी गेम्स बताऊंगा, इन गेम्स को आप ऑफलाइन भी खेल सकते हो और ऑनलाइन भी खेल सकते हो। तो गाइस ये इन गेम्स की एक अच्छी बात हैगी, और ये जितने भी गेम्स है सारे 100% वर्किंग है, इसमें आपको कोई सर्वर की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। तो गाइस इन गेम्स को डाउनलोड कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस आई होप कि आपको ये जो गेम्स हैं ये अच्छे लगेंगे। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो गाइस आप जैसा कि आप देख सकते होगे कि ओनली 2.8% लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है, और 97.2% लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, लेकिन वो लोग मेरी वीडियो देख। तो गाइस अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइस सब्सक्राइब कर लो, इट्स फ्री, जस्ट क्लिक ऑन द रेड बटन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो फर्स्ट गेम है उसका नाम है रॉकेट रॉयल, और इस गेम का जो साइज है वो है 180 MB। तो गाइस ये जो गेम है ये तो पूरा ही फोर्टनाइट के जैसा आएगा, और काफ़ी सारे इसमें न्यू फीचर है जो कि आपको फोर्टनाइट में भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो गाइस ये जो गेम है इसमें आपको एक लॉबी रहती हैगी, और उसमें आप 50 प्लेयर्स के साथ रहते होगे जो भी ऑनलाइन रहते हैंगे आपके साथ। और गाइस इसमें जैसे ही आपका मैच स्टार्ट होता है तो उसके बाद आपको एक पोर्टल देखने को मिलता है जिसके अंदर आप जैसे ही जाते हो तो आप जो बड़ा सा भी जो आइलैंड रहता है उस पर आप रैंडमली स्पॉन हो जाते होगे कहीं पे भी। मतलब कि गाइस इस गेम में आपको कोई एरोप्लेन से कूद के नहीं जाना पड़ता है, इसमें आप रैंडमली ही हो जाते हो, टेलीपोर्ट होके पहुँच जाते होगे आइलैंड पे कहीं पे भी, मतलब कि आप खुद नहीं जा सकते हो, तो ये भी एक अच्छी बात है इस गेम की। तो गाइस इस गेम में भी फोर्टनाइट की तरह आप जो भी घर है उनको तोड़ सकते हो। मतलब कि आपको अगर कोई घर के अंदर जाना है तो आप या तो गेट से जा सकते हो, या फिर आप उस गेम के जो मतलब जो घर है उनको तोड़ के भी डायरेक्ट जा सकते हो, और तोड़ा फोड़ी आप इसमें पूरा कर सकते हो, कुछ भी चीज़ को तोड़ सकते हो और कुछ भी चीज़ आप इसमें क्राफ्ट कर सकते हो बिल्कुल फोर्टनाइट की तरह। तो ये एक अच्छी बात है इस गेम की। और गाइस इस गेम में जो गने आपको देखने को मिलती है वो काफ़ी हद तक मतलब पबजी की जैसी देखने को मिलती हैंगी, मतलब कि फोर्टनाइट जैसी तो देखने को मिलती हैं काफ़ी सारी गने, लेकिन बहुत सी गने इसमें आपको पबजी जैसी भी देखने को मिलती हैंगी, तो ये भी इस गेम का एक अच्छा फीचर हैगा। और गाइस इस गेम में भी आपको फोर्टनाइट की तरह बिल्कुल क्राफ्टिंग करनी पड़ती है, कि मतलब कि कोई एनिमी आपके सामने आए तो आप दीवार खड़ी कर सकते होगे, या फिर आप गाइस खुद का एक क्राफ्टिंग करके घर बना सकते होगे इस गेम में बिल्कुल फोर्टनाइट के जैसा। तो गाइस इस गेम का साइज़ है 180 MB। तो ये जो गेम है ये आराम से आपके लो एंड डिवाइस में वर्क करेगा, आपका अगर 1GB रैम है या 2GB रैम है तो उसमें भी गाइस ये आराम से वर्क करेगा, आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा। और इस गेम के गाइस जो कंट्रोल्स है वो भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, और जो इसके ग्राफिक्स है वो भी आप अपने डिवाइस के हिसाब से लो, मतलब अगर आपका लो एंड डिवाइस है तो आप एडजस्ट कर सकते हो अपने गेम के ग्राफिक, जिससे कि आपको और अच्छा इस गेम का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, मतलब कि लैग देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस अगर आपको इस गेम को डाउनलोड करना हो तो मैंने आपको लिंक दे रखा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस कमेंट करके बताना कि ये गेम आपको कैसा लगा। तो गाइस जो नेक्स्ट गेम है उसका नाम है विक्ट्री रॉयल, और इस गेम का जो साइज़ है वो है सिर्फ 30 MB। लेकिन गाइस जब आप इस गेम को इंस्टॉल कर लेते हो तो उसके बाद ओपन करने के बाद इसमें एक छोटी सी OBB फाइल भी डाउनलोड होती है, उसका साइज़ रहता है सिर्फ 100 MB। तो इससे आपका ज़्यादा नेट यूज़ नहीं होता, सिर्फ 100 MB की एक फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है, मतलब इसका जो टोटल साइज़ है वो अप्रॉक्स 130 MB है। तो गाइस ये जो गेम है बिल्कुल ही फोर्टनाइट जैसा बनाया गया है, मतलब कि आपको इसमें जो जितनी भी चीज़ें पूरी फोर्टनाइट की जैसी देखने को मिलती हैंगी। तो इसमें गाइस आपको एक बड़ा सा आइलैंड देखने को मिलता है जिस पे आप 100 प्लेयर्स के साथ लैंड होते होगे। इस गेम का जो आइलैंड बनाया गया है ना वो बिल्कुल फोर्टनाइट और पबजी को मिक्स करके बनाया गया है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और इसमें गाइस आप जैसे ही लैंड होते हो तो पूरा सब कुछ फोर्टनाइट जैसे ही होता है, मतलब आपको पैराशूट की जगह एक मशीन सी खुलती जो कि आपको फोर्टनाइट में देखने को मिलती है, वैसे ही यहाँ पे भी आपको एक मशीन देखने को मिलती है जो कि मतलब पैराशूट जैसी रहती है थोड़ी। तो गाइस इस गेम में भी आपको फोर्टनाइट की तरह एक एक्स देखने को मिलता है, जिससे कि गाइस आपको तोड़ना पड़ता है मशीनों को, और इधर पे जो कारें रहती हैं या फिर आपको बहुत सी चीज़ें मिलती जिनको कि आप तोड़ के
क्राफ्टिंग कर सकते होगे, तो ये भी इस गेम की एक अच्छी बात है। मतलब कि जैसे ही आप चीज़ों को तोड़ते हो तो आपको मटेरियल मिल जाता है क्राफ्टिंग करने के लिए, और फिर गाइस क्राफ्टिंग करके आप बना सकते होगे जो भी आपको, मतलब कि दिवाले वाले जो भी बनाना है। तो गाइस ये जो गेम है बिल्कुल ही फोर्टनाइट की तरह इस गेम को बनाया गया है, तो इससे जो तो गाइस इसलिए इस गेम के जो एनिमेशन है वो भी बिल्कुल फोर्टनाइट की जैसे ही दिखते होंगे। और ये जो गेम है गाइस ये आराम से आपके लो एंड डिवाइस में भी वर्क करता है, मतलब कि आपको ऐसा कोई लैग देखने को नहीं मिलता है। 1 GB रैम और 2 GB रैम में भी वर्क करता है आराम से ये गेम। तो गाइस आप अपने हिसाब से इस गेम के जो ग्राफिक्स है उसको कस्टमाइज कर सकते हो, तो उससे आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है अपने लो एंड डिवाइस पे भी। और गाइस आपको पबजी की तरह इसमें काफ़ी सारी गने देखने को मिलती है, जैसे कि AR, स्नाइपर्स, शॉटगन्स, पिस्टल्स और काफ़ी सारी और भी गने देखने को मिलती हैंगी। और पबजी और फ्री फायर और फोर्टनाइट की तरह इस गेम में भी बनता है जोन, और आपको जोन के अंदर ही रहना पड़ता, नहीं तो आपकी हेल्थ जाती है, तो ये तो आपको वैसे पता होगा। तो गाइस अगर आपका लो एंड डिवाइस है ना तो ये वाला गेम तो आप ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ये गेम है इसका साइज़ भी कम है और ये आराम से आपको फोर्टनाइट के मज़े देगा। तो अगर आपको इस गेम को डाउनलोड करना हो तो मैंने आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस कमेंट करके बताना कि ये गेम आपको कैसा लगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। तो गाइस जो नेक्स्ट गेम है उसका नाम है जाइगेंटिक IO और इस गेम का जो साइज़ है वो है 90 MB। तो गाइस ये जो गेम है बिल्कुल फोर्टनाइट को देख के बनाया गया है, मतलब कि गाइस इसमें आपको एक बड़ा सा आइलैंड मिलता है जिधर पे आप लैंड होते होगे काफ़ी सारे प्लेयर्स के साथ, और अगर आप लास्ट तक सर्वाइव कर जाते होगे तो आप मतलब जीत जाते हो। और इस गेम में भी गाइस फोर्टनाइट की तरह जोन बनता है। तो गाइस पूरा ये जो गेम है बिल्कुल फोर्टनाइट के जैसे ही बनाया गया है, और इस गेम का गाइस जो मैप है वो भी काफ़ी बड़ा है, और काफ़ी सारी इसमें आपको चीज़ें देखने को मिलती हैंगी। मतलब कि इस गेम के गाइस जो साइज़ है वो है सिर्फ 90 MB, और इस गेम के जो ग्राफिक्स है वो मतलब लगते ही नहीं है कि 90 MB है, मतलब कि फोर्टनाइट के जैसे ग्राफिक्स है बिल्कुल 90 MB में ही आपको देखने को मिल जाते हैं इस गेम में। तो गाइस ये जो गेम है गाइस बिल्कुल फोर्टनाइट के जैसा बनाया गया है। इस गेम की जो गन्स है वो बिल्कुल फोर्टनाइट की जैसी और पबजी की जैसी मिक्स करके बनाई है, तो ये भी एक अच्छी बात है। इसमें गाइस आपको AR देखने को मिलती है, स्नाइपर्स देखने को मिलती है, शॉटगन्स और पिस्टल्स और कुछ मतलब काफ़ी सारी गन्ने देखने को मिलती जो कि आपको फोर्टनाइट में देखने को मिलती वैसी टाइप की, और पबजी की भी इसमें काफ़ी सारी गन्स है, मतलब मिक्स करके इनकी जो गन्स है वो बनाई गई है। और गाइस फोर्टनाइट की तरह आप इस गेम में भी क्राफ्टिंग कर सकते हो, मतलब कि आप दीवार खड़ी कर सकते होगे, अगर कोई एनिमी आपके सामने आता है तो आप दीवार खड़ी करके बच सकते होगे उस एनिमी से, और आप छत बना सकते हो और क्राफ्टिंग करके आप बिल्डिंग बना सकते हो, जैसे कि आप फोर्टनाइट में सब कुछ कर सकते हो गाइस पूरा आप इस गेम में भी कर सकते होगे। तो गाइस ये जो गेम है ये काफ़ी स्मूथली वर्क करता है, मतलब कि आपको ज़्यादा कोई इसमें मतलब बिल्कुल ही लैग देखने को नहीं मिलता है इस गेम में आपको। और गाइस इस गेम के जो कंट्रोल्स है वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, मतलब कि जैसे आपको कंट्रोल्स चाहिए वैसे आप कर सकते हो, और इस गेम की जो सेंसिविटी है वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते होगे कम ज़्यादा जैसी भी आपको चाहिए है। तो गाइस इस गेम में आपको अगर क्राफ्टिंग करनी है तो उसके लिए आपको मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है, जो कि आपको मिलता है काफ़ी सारी जगहों से मिल जाता, मतलब कि आपको जो मटेरियल है वो आपको घरों में मिल जाता है या फिर आपको कुछ चीज़ें मिलती है जो कि आपको तोड़ फोड़ करके आपको मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है अगर आपको क्राफ्टिंग करनी है। तो गाइस ये जो गेम है इसकी एक खास बात है वो ये है कि इस गेम को आप ऑफलाइन भी खेल सकते हो और ऑनलाइन भी खेल सकते हो। तो गाइस अगर आप इस गेम को ऑनलाइन खेलते हो तो आप 30 प्लेयर्स के साथ बैटल रॉयल खेल सकते हो, और गाइस अगर आप इस गेम को ऑफलाइन खेलते हो तो गाइस आपके हिसाब से आप जितने चाहो उतने प्लेयरों के साथ, मतलब आप 100 प्लेयर्स के साथ भी इस गेम में ऑफलाइन खेल सकते हो, लेकिन वो सारे प्लेयर बॉट्स रहेंगे। तो गाइस अगर आपके पास नेट नहीं रहता है तो आप इस गेम को ऑफलाइन भी खेल सकते हो, तो ये इस गेम की अच्छी बात लगी मेरे को। एक तो इस गेम का एक न्यू फीचर भी है, वो ये है जो आपको फोर्टनाइट में भी देखने को नहीं मिलता है, वो ये है कि गाइस इसमें आपको एक पोशन मिलता है जिसको लेके आपका साइज़ बड़ा हो सकता है। तो ये भी एक न्यू फीचर है कि आप अपना साइज़ को बड़ा कर सकते होगे। तो लेकिन गाइस हाँ, अगर कोई आपको शूट करता है तो आपका जो साइज़ है वो वापस से छोटा हो जाता है। तो ये भी तो गाइस इस गेम का जो साइज़ है वो है सिर्फ 90 MB। तो अगर आपका डिवाइस है लो एंड, मतलब कि 1 GB रैम या फिर 2 GB रैम, तो गाइस उसमें भी ये गेम आराम से वर्क करेगा, मतलब कि आपको बिल्कुल भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। आप अपने हिसाब से इसके जो ग्राफिक्स है उसको लो या लो करके आप आराम से अपने लो एंड डिवाइस पर खेल सकते होगे। तो ये भी एक अच्छी बात है इस गेम की कि आपके लो एंड डिवाइस पे आराम से ये गेम वर्क करेगा बिना किसी लैग के। तो गाइस इस गेम को डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको लिंक दे रखा है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो, और कमेंट करके बताना कि ये गेम आपको कैसा लगा। तो गाइस जो नेक्स्ट गेम है उसका नाम है 1v1 LOL, और इस गेम का जो साइज़ है वो है 50 MB। तो गाइस ये जो गेम है ये बिल्कुल पबजी और मतलब सॉरी ये जो गेम है ये बिल्कुल फोर्टनाइट के लॉजिक और कॉन्सेप्ट पे बनाएगा। और लेकिन हाँ गाइस ये जो गेम है ना इसमें ना तो आपको कोई आइलैंड देखने को मिलता है बड़ा सा, ना ही आपको इस गेम में फोर्टनाइट की जैसे मतलब आपको लैंड नहीं होना पड़ता है कोई आइलैंड पे,
और ना ही इसमें आपको 100 प्लेयर्स देखने को मिलते हैंगे। इसमें गाइस आपका जो मेन काम रहता है ना वो रहता है क्राफ्टिंग का, मतलब कि इसमें आपको एक बड़ा सा एक मतलब फ्लैट ग्राउंड टाइप का देखने को मिलता है, फ्लैट सरफेस, और वहाँ पे गाइस आपको सिर्फ क्राफ्टिंग करके इस गेम को खेलना पड़ता है। तो इसमें गाइस आपका जो मेन काम रहता है ना वो रहता है क्राफ्टिंग स्किल का। अगर आपकी क्राफ्टिंग स्किल अच्छी है ना तो ही आप इस गेम को खेल पाओगे अच्छे से। मतलब कि गाइस बहुत हार्ड है ये गेम, मतलब आसानी से आप इस गेम में नहीं जीत पाते हो, क्योंकि इसमें जो क्राफ्टिंग का जो फीचर है ना उसमें ऐसा है कि आप जितनी चाहो उतनी क्राफ्टिंग कर सकते हो। मतलब कि इसमें जो फोर्टनाइट की तरह ऐसा नहीं है कि आपको मटेरियल को पहले इकट्ठा करना है उसके बाद आप क्राफ्ट कर सकते हो। इसमें गाइस आपको अनलिमिटेड रहता है, मतलब कोई लिमिट नहीं रहती क्राफ्टिंग की, जितना चाहो उतनी क्राफ्टिंग कर सकते हो। तो गाइस इससे इस गेम को मैं मतलब इस गेम को खेलने में और भी मज़ा आता है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है ये गेम। और ये जो गेम है गाइस ये मतलब लैग भी नहीं होता आपके लो एंड डिवाइस पे। अगर आपकी 1GB रैम है या 2GB रैम है तो उसमें भी गाइस ये बिना लैग करे ये वर्क करता है। तो इसके आप जो ग्राफिक्स है उसको भी एडजस्ट कर सकते हो जिससे कि आपको और अच्छा मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले आपके लो एंड डिवाइस पे भी, तो ये भी एक अच्छी बात है। और इसके जो कंट्रोल्स है वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते होगे। तो गाइज अगर आपको इस गेम को डाउनलोड करना हो तो मैंने आपको लिंक दे रखा है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो। और गाइज कमेंट करके बताना कि ये गेम आपको कैसा लगा। तो गाइज जो नेक्स्ट गेम है उसका नाम है मैड गन जेड, और इस गेम का जो साइज़ है वो है 108 MB। तो गाइज ये जो गेम है ये बिल्कुल ये बिल्कुल फोर्टनाइट के लॉजिक और कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है, लेकिन इस गेम के जो ग्राफिक्स है वो है बिल्कुल माइनक्राफ्ट के जैसे हैंगे, तो आपको एक अलग ही मज़ा देते हैं इस गेम की। और गाइज इस गेम में आपको एक बड़े से आइलैंड पे लैंड होना पड़ता है। तो इस गेम में गाइज आप बिल्कुल फोर्टनाइट की तरह क्राफ्टिंग कर सकते हो। आपको शुरू में मतलब उतरते से ही एक पिकैक्स मिल जाता है जिससे कि गाइज आप आसपास की चीज़ों को तोड़ के क्राफ्टिंग कर सकते हो। लेकिन हाँ गाइज इस गेम में आपको हर चीज़ की क्राफ्टिंग करनी पड़ती है, मतलब कि फोर्टनाइट में तो ऐसा रहता है कि आपको गने तो मिल जाती हैं घरों में, और आपको जो क्राफ्टिंग करनी पड़ती है वो रहती है कि या तो आप दीवार बना सकते हो या फिर आप छत बना सकते हो या आप सीढ़ी बना सकते हो लैडर, तो जो भी है आप उसकी क्राफ्टिंग कर सकते हो। लेकिन गाइस इस गेम में ऐसा रहता है कि जब आप लैंड होते हो तो आपको सिर्फ एक मतलब आप जैसे ही लैंड होते हो तो आपको सिर्फ एक पिकैक्स मिलता है, और आपको गाइस जो आजू बाजू चीज़ें रहती हैं ना उनसे ही आपको जो गने रहती है ना उनको भी क्राफ्ट करना पड़ता है। तो गाइस इस गेम के जो ग्राफिक्स है वो काफ़ी मस्त है, बिल्कुल मतलब फोर्टनाइट के जैसे तो नहीं लेकिन हाँ माइनक्राफ्ट जैसे हैं जरूर इसके ग्राफिक्स, तो ये एक अच्छी बात है इस गेम की। और काफ़ी सारे इसमें आपको ऐसे फीचर्स देखने को मिलते जो कि आपने शायद आज तक नहीं देखे होंगे कोई बैटल रॉयल में, तो ये भी एक अच्छी बात है इस गेम की। और गाइस इस गेम में आपको काफ़ी सारे मोड्स देखने को मिल सकते हैं, तो जो भी मोड्स आप चाहो वो आप खेल सकते हो, और इस गेम को आप ऑफलाइन भी खेल सकते हो और ऑनलाइन भी खेल सकते हो, तो ये भी एक अच्छी बात है इस गेम की। तो गाइस इस गेम को आप अपने लो एंड डिवाइस पे भी खेल सकते हो 1GB रैम है या 2GB रैम है। और हाँ गाइस इस गेम का एक और अच्छा फीचर है कि आपका अगर गेम लैग होता है तो अपने आप ही इस गेम के जो ग्राफिक्स है वो एडजस्ट हो जाते हैं जिससे कि आपका गेम है वो लैग होना बंद हो जाता है। तो गाइस जितने भी मैंने आपको गेम्स बताए थे सारे आपके लो एंड डिवाइस में वर्क करेंगे और 100% वर्किंग है ये गेम, इसमें आपको कोई ऐसी सर्वर की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो गाइस अगर आपको इस गेम को डाउनलोड करना हो तो मैंने आपको लिंक दे रखा है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो। और जितने भी मैंने गेम्स बताए सारे गेमों को आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस।